92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज का शहर कार्यक्रम बहुत सुंदर हम बना के लाए हैं आपके लिए, और ये प्रयास है कि आपका दिन आज के शहर कार्यक्रम के साथ महकता रहे, आनंद लेता रहे। साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग हो, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। जिनके शरीर के अंग प्रत्यंग तथा मन आदि सब शीतल होते हैं, ऐसे सज्जन बड़े परमार्थी होते हैं। जी हाँ, क्योंकि वे अपने शुभ गुण को देकर दूसरे के दुख को दूर कर देते हैं, अपनी शीतलता से दूसरे के संताप को शांति प्रदान करते हैं। घर की झंझटों से परेशान हुआ पुरुष जब संतों के पास आता है, वे अपने उपदेश देकर उसे शांत कर देते हैं। ऐसे होते हैं साधु जो परमार्थी होते हैं, दूसरे के हित के लिए अपना जीवन इस्तेमाल करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आपको आज लेके चलता हूँ बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू में स्थापित है, बहुत सुंदर मंदिर है बिजली महादेव मंदिर, भगवान शंकर का ये मंदिर। हिमाचल प्रदेश में 7,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर सुंदर हरियाली और सुंदर पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है, और यहाँ चमत्कार होते हैं। चमत्कार ऐसे होते हैं कि जब बिजली चमकती है और ऊपर से गिरती है तो ये जो शिवलिंग है ये टूट जाता है, और फिर गांव वाले जो सत्तू खाते हैं उस सत्तू से इसको फिर से जोड़ देते हैं। वशिष्ठ मुनि शिव की तपस्या कर रहे थे, शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, कितनी तबाही हो जाती है जब ये बिजली नीचे गिरती है, चमकती है, तो आप कृपा करें, आप इस बिजली को स्वयं में संभाल लें जिससे कि धरती पर होने वाली तबाही रुक जाए। और ऐसी तपस्या की कि शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऊपर से गिरने वाली जितनी बिजली है उसको अपने में समा लिया। इसीलिए इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ लाइटनिंग भी कहते हैं। श्रावण के महीने में भक्त लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है बिजली महादेव मंदिर कुल्लू में, जरूर जाएं और इसका आनंद लें। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, और उस भजन में देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें आपको दोनों को मन भाती है। 92.7 बिग एफएम पे सुनते रहिए शहर कार्यक्रम, मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु, अपनी शरण में ले लो हे प्रभु, अपनी शरण में ले लो। इस भक्त को भी अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। 92.7 बिग एफएम पे आपने सुना ये भजन मुझसे, और अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी गायिका को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप हैं प्रीति सेठ। जी हाँ, प्रीति सेठ बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी आवाज है, और बड़े लगन से इनके गाने में आपको भक्ति संगीत, भक्ति भाव नजर आएगा। प्रीति जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। थैंक यू अनु।
सो हैप्पी टू हैव यू। और हमको पता है कि आप बहुत लगन से गाती हैं, आपने तो मेरे कार्यक्रम में भी कई बार गाया है। आज आप जुड़ गई हैं शहर कार्यक्रम से जो लाखों लोग सुनते हैं, तो आप ये बताइए कि पहले कभी आपको मौका मिला था कि किसी से संगीत सीखा जाए? मैंने बहुत संगीत एक ऐसी चीज है जो कभी भी मतलब कभी खत्म नहीं होती है, आप सीखो सीखो सीखो। मैंने बहुत ही थोड़ा सा सुरेश वाडेकर जी से सीखा था जब मैं बहुत यंग थी, एंड उसके बाद जो मैंने सीखा है वो अनूप जी से सीखा है। उनका उनके जो प्रेजेंस, उनके कार्यक्रम जो होते हैं, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत खुशी हुई। तो आज कौन सा भजन आप सुनाने जा रहे हैं? अनूप जी का ही एक भजन है, मैं गाना चाहूंगी। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा। बिन छेड़े किसी को उसे चैन नहीं है आता, दुनिया बनती पागल जब मंद मंद मुस्काता, कान्हा ने सब पे कैसा जादू है डाला, हर कोई उसके नाम की सदा रटे माला। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा। ये तो डुएट हो गया जी गाना, वाह, बहुत अच्छा भजन है ये। रवि जैन ने लिखा है और मैंने इसको कंपोज किया और प्रीति सेठ ने आपके सामने सुनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे प्रीति सेठ को। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अब 2 दिन की छुट्टी है जी, 2 दिन हम भी जरा तैयारी करेंगे, शहर कार्यक्रम और बनाएंगे और सोमवार को आपसे मुलाकात करेंगे। आप भी बिल्कुल समय से अपना रेडियो ऑन, मैं आपको वही मिलूंगा। नमस्कार। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम।